डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेटाबेसिस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये एक सर एग्जाम में आ जाता है, डेटाबेस मॉडल्स। डिफाइन डेटाबेस मॉडल, डिस्कस और डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। लेकिन डेटाबेस मॉडल्स जो आजकल जिस मतलब जो आजकल के जो मॉडल्स हैं, आजकल जो डेटाबेस बनाया जा रहा है, ये किसी ना किसी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। हिस्टोरिकल इसकी एक इम्पोर्टेंस है, और पहले पहले डिफरेंट मॉडल्स थे जिनके तहत डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता था, तो थोड़ा सा उनका हवाला इस बुक में दिया जा रहा है। लेकिन आजकल जो डेटाबेस मॉडल्स फॉलो किए जा रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट जो जो है ना, वो बिल्कुल एक रिलेशनल मॉडल हम उसे कहते हैं, जो कि फॉलो किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर कुछ पुराने मॉडल्स दिए हुए हैं, जिस तरह ये हिरार्किकल है, हिरार्किकल मॉडल। इस तरह एक और मॉडल था, नेटवर्क मॉडल से कहते थे। तो ये मॉडल्स जो हैं आपके डेटाबेस बनाने के लिए आपको हेल्प करते हैं किस तरह से, और बताते हैं किस तरह से आपका जो डिफरेंट तरह की एंटिटीज हैं उनमें डेटा फ्लो कर रहा है या वो एक्सेस किया जा सकता है। देखिए, जरा इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। हिरार्किकल मॉडल, द हिरार्किकल मॉडल अरेंजेस रिकॉर्ड्स इन हिरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अब ये हिरार्की क्या होती है? हिरार्की कहते हैं फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर, एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आर्मी में एक ऑर्डर होता है, जिस तरह से ऊपर जनरल होता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है, ठीक है, फिर आगे इस तरह से वो चलता चलता आपके सब लेफ्टिनेंट तक आता है, तो एक ऑर्डर है। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ले लें, आप एक मैनेजर होता है, ठीक है, या सीईओ होता है, फिर नीचे डायरेक्टर्स होते हैं, फिर नीचे और आखिर में फिर आपका ऑपरेशनल स्टाफ होता है। तो इस तरह से ये हिरार्की जो है वो आपको हर जगह पर एक मिल जाएगी। तो ये हिरार्किकल मॉडल असल में एक स्ट्रिक्टली एक हिरार्की को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप एक इसे इन्वर्टेड ट्री मॉडल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्री होता है ना, आपका ट्री, ट्री को आप उल्टा कर दें, उसका जो स्टेम है तना वो ऊपर आ जाएगा, उसके शूट्स हैं, ब्रांचेज हैं, वो नीचे चली जाएंगी। तो इस तरह से इसको एक इन्वर्टेड ट्री मॉडल भी कहते हैं, जो यानी जो टॉप पर आपका रूट होगा, जिस तरह यहाँ देखें एक एंटिटी आप वन आपको नजर आ रही है, दिस इज रूट, और फिर रूट सबसे पहले आप रूट की एंटिटी, जब आपको ये डाटा मिल जाता है, फिर आप इस एंटिटी से फर्दर दूसरी एंटिटीज तक पहुंच सकते हैं। यानी रूट की एंटिटी से ही आप हमेशा दूसरी एंटिटीज को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको रूट एक्सेस करना पड़ता है, रूट की एंटिटी एक्सेस करनी पड़ती है, रूट जो रिकॉर्ड होता है वो एक्सेस करना पड़ता है, वहीं से आगे आपको फर्दर रिकॉर्ड जो है वो दस्तयाब होंगे। तो इस तरह का एक मॉडल था, ये बड़ा फास्ट मॉडल था, लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। जरा हम इसको रीड करते हैं। द हायरार्किकल मॉडल अरेंजेस रिकॉर्ड्स इन हायरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो ये इसमें रिकॉर्ड जितने भी थे वो एक हायरार्की में स्टोर होते हैं। और रिकॉर्ड्स कौन क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स आप लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कॉलेज का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर कह दूं तो कॉलेज का रिकॉर्ड जो एंटिटी वन है उसमें कॉलेज का, अगर मैं कोई एंटिटी इस तरह का रिकॉर्ड रख दूं तो वहां से फिर मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। या मैं इस तरह से कर सकता हूँ, कॉलेज का रिकॉर्ड सबसे पहले रख दूं, और फिर उसके बाद मैं टीचर्स का रिकॉर्ड रख दूं, और फिर तीसरी लाइन में मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख दूं कि भी कौन से स्टूडेंट्स किन टीचर से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से एक हायरार्की आप बना सकते हैं रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। तो इस तरह का ये मॉडल है, और इसमें ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड नोड और सेगमेंट। हर रिकॉर्ड टाइप को इसमें एक नोड या सेगमेंट कहा जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो एंटिटी टू है या एंटिटी थ्री है, फोर या फाइव जितनी भी हैं, तो इनको रिकॉर्ड, इनफैक्ट रिकॉर्ड टाइप कहा जा रहा है, या इनको आप नोड भी कह सकते हैं और सेगमेंट भी कह सकते हैं। अ नोड रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी, तो हर नोड एक पर्टिकुलर एंटिटी है। जो जो सबसे पहला आपका नोड है, टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। ईच नोड इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द नोड, नीचे जितने भी नोड्स आ रहे हैं वो इसके सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जो आपका यानी किसी ना किसी लेवल पर, जो जबकि जो आपका रूट नोड है ना, वो किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, वो सबसे पहला नोड है जो आप एक्सेस करते हैं। अ हायर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट, तो जो आपका हायर लेवल है, जिस तरह एंटिटी टू है ये पेरेंट है एंटिटी फोर और फाइव का, तो ये आपका पेरेंट नोड कहलाएगा या पेरेंट एंटिटी कहलाएगी। इसी तरह एंटिटी वन जो है वो पेरेंट नोड है एंटिटी टू और थ्री का।
जबकि एंटिटी टू और थ्री चाइल्ड नोड्स हैं एंटिटी वन के, या एंटिटी फोर फाइव चाइल्ड नोड्स हैं एंटिटी टू के। तो इसमें पेरेंट और चाइल्ड नोड्स का कॉन्सेप्ट है। अ पेरेंट नोड कैन हैव वन और मैनी चाइल्ड नोड्स, जबकि एक पेरेंट नोड के एक से शायद एक या एक से ज्यादा चाइल्ड नोड्स इसमें हो सकते हैं। अच्छा, तो इसमें इस तरह से है कि पेरेंट नोड्स पहले पहले एक्सेस होगा और बाद में ही उसके चाइल्ड नोड तक आप पहुंच सकते हैं। आप डायरेक्ट चाइल्ड नोड तक नहीं पहुंच सकते, आप क्या चाइल्ड रिकॉर्ड तक आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट नोड, जबकि हर चाइल्ड का एक ही पेरेंट नोड होगा, यानी उसका सिर्फ एक ही रास्ता होगा जिसके थ्रू आप होते हुए उस चाइल्ड तक पहुंचेंगे। कोई ऐसी बात नहीं कि मल्टीपल चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप किसी एक एंटिटी पर पहुंच रहे हैं। नो, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इज ऑफन कॉल्ड एज इन्वर्टेड ट्री, इसको आप इन्वर्टेड ट्री मॉडल भी कहते हैं, अभी हमने देखा। राइट जी, तो हिरार्किकल मॉडल जो था ये एक फास्ट मॉडल है, बड़ा एक क्विक, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें कुछ पॉइंटिंग मैकेनिज्म्स हैं, पॉइंटर्स होते हैं, रिकॉर्ड्स आपस में एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं। हालांकि आजकल जो मॉडल फॉलो किया जाता है उसमें रिकॉर्ड्स के दरमियान पॉइंटिंग नहीं होती, रिकॉर्ड्स आजाद होते हैं। सिर्फ एंटिटीज जो है ना, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की एक एंटिटी है, उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो स्टूडेंट की एंटिटी एक, यानी डिफरेंट एंटिटीज जो है, स्टूडेंट की एंटिटी, टीचर की एंटिटी, कोर्स की एंटिटी, वो आपस में जरा लिंक्ड होती हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स होते हैं, जबकि रिकॉर्ड्स के दरमियान कोई पॉइंटिंग नहीं होती। जबकि इन मॉडल्स में रिकॉर्ड्स के दरमियान पॉइंटिंग होती थी, तो इनकी फिर अपनी कुछ प्रोग्रामिंग बेस्ड लिमिटेशंस होती थी। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल चले मैं यही थोड़ा बता दूं, यहां देखें स्ट्रिक्ट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, जबकि नेटवर्क मॉडल में आपके पास है इसी तरह का एक मॉडल, लेकिन वहां थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी आप एक चाइल्ड पर दूसरी तरी दूसरी जगह दूसरे इसके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लें आप, ये जो एंटिटी फोर आपको नजर आ रही है, इसके ये आपकी एंटिटी वन से भी एक्सेस हो रही है और एंटिटी टू से भी एक्सेस हो रही है। तो इट मीन एक चाइल्ड के यहाँ दो पेरेंट्स हो सकते हैं। थोड़ी सी फ्लेक्सिबल मॉडल है हिरार्किकल की निस्बत, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है, इसका नुकसान ये है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो जाता है ये, जब आप एक नोड को डिफरेंट जगहों से आप एक्सेस कर रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आ जाती है, जबकि वो बड़ा सिंपल मॉडल है हिरार्किकल, बड़ा उसको समझना आसान है। कुछ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कवर हुई, लेकिन इसकी अपनी फिर कुछ लिमिटेशंस हैं कि कॉम्प्लेक्स हो गया उसको ओवरकम करने के बाद। द नेटवर्क मॉडल इज सिमिलर टू हिरार्किकल मॉडल, बड़ी हद तक उससे मिलता जुलता मॉडल है। द डिफरेंस दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड, यानी चाइल्ड नोड जो है एक से ज्यादा उसके पेरेंट नोड हो सकते हैं। जो चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज, और यहाँ पे एरोज भी जाहिर है, जब इस तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडल, तो यहाँ पे इन्होंने एरोज से रिप्रेजेंट किया भी कौन से चाइल्ड का कौन सा पेरेंट है, तो इस तरह से एरोज लगाने यहाँ जरूरी हो जाती है। इट रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ डाटा बेस, तो यहाँ पर जो डायग्राम है जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, पेचीदा हो जाती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मोर फ्लेक्सीबिलिटी, तो इसकी इसका एडवांटेज क्या है, किसी हद तक हायरार्किकल से ज्यादा फ्लेक्सीबल मॉडल है, और यानी फ्लेक्सीबल से मुराद कि आप डिफरेंट तरह से एक रिकॉर्ड को पॉइंट कर सकते हैं, डिफरेंट जगहों से, एक से ज्यादा जगहों की से होता है, इसमें भी रिकॉर्ड्स ही हैं और आपस में रिकॉर्ड्स जो है वो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं। राइट जी, नेक्स्ट जो आजकल चल रहा है मॉडल, जो जदीद मॉडल है, रिलेशनल मॉडल से कहते हैं, तो आजकल डेटाबेसिस जो आजकल के डीबीएमएस हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा ताल्लुक भी इसी मॉडल से है। हमने ज्यादा हायरार्किकल मॉडल और जो नेटवर्क मॉडल है उन पर हमने काम नहीं किया, हमने तो हमेशा रिलेशनल मॉडल पर ही काम किया, इसी से रिलेटेड डीबीएमएस पर काम कर रहे हैं। आगे हमने स्टडी भी इसी को करना है, सिर्फ हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल थोड़ा सा कंपैरिजन जरूर सामने रखना है। रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल, सबसे ज्यादा आजकल यूज होने वाला कॉमन एक मॉडल है। डेटाबेस मॉडल इज मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल और नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, ये उनकी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड्स के दरमियान पॉइंटिंग नहीं होती, रिकॉर्ड लेवल पॉइंटर्स नहीं होते इसमें। द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशन, इसमें जो रिलेशन होते हैं सिंपल एंटिटीज के दरमियान पाए जाते हैं, और हर एंटिटी इसमें एक टेबल होता है, ठीक है, जबकि वहां पर एक एंटिटी जो है या एक नोड जो है वो एक रिकॉर्ड होता है, जबकि यहां पर
हर एंटिटी जो है वो एक टेबल का दर्जा रखती है, और एक टेबल के अंदर बहुत सारे फिर रिकॉर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लें कि ग्रुप्स बने हुए हैं रिकॉर्ड्स के, और उनको आप एंटिटी कह रहे हैं। रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी, तो या रिलेशनल मॉडल को रिलेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि रिलेशंस हैं इसमें। रिलेशन से मुराद टेबल, टेबल का दूसरा नाम होता है रिलेशन। याद रखें रिलेशनशिप और चीज है, रिलेशन अलग है। रिलेशन इज अ टेबल, वाइल रिलेशनशिप इज अ इंटरेक्शन बिटवीन रिलेशंस और टेबल्स। ठीक है, यानी रिलेशनशिप इज अ लिंक बिटवीन डिफरेंट टेबल्स, और उन टेबल्स को हम रिलेशंस कह रहे हैं। ये वही मैथ्स में भी शायद आपने पढ़ा ना, रिलेशन यूसी से मिलता जुलता रिलेशन है। द रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द एंटिटीज। तो ये जो रिलेशनशिप्स बनते हैं डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान या डिफरेंट रिलेशंस के दरमियान, वो उनके डेटा एलिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूँ, टीचर और स्टूडेंट की एंटिटी के दरमियान एक रिलेशनशिप है कि एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ठीक है, तो ये एक ताल्लुक है, या एक स्टूडेंट बहुत सारे टीचर्स से स्टडी करता है। तो ये भी दो एंटिटीज के दरमियान, यानी उनके डेटा एलिमेंट्स पे बात चली गई। हर एंटिटी के अंदर जो बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स होते हैं, एक वो स्टूडेंट एंटिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो सारे डेटा एलिमेंट्स हैं उस एंटिटी के। तो उनके दरमियान, तो हर एंटिटी का जो डेटा एलिमेंट है दूसरी एंटिटी के डेटा एलिमेंट के साथ एक ताल्लुक बना सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। ये आपको डायग्राम एक नजर आ रही है रिलेशनल मॉडल के हवाले से। तो आजकल जो है इसी मॉडल को फॉलो किया जा रहा है, बल्कि आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स भी आ रहे हैं, और कुछ मिक्स मिक्स होकर रिलेशनल के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिक्स होकर आ रहा है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बस ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जो वहां पर हर टेबल को आप कह सकते हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से वो भी यूज हो रहा है। राइट जी, आज के लिए आई थिंक हम क्विट करते हैं। तो इसको आपने बच्चे स्टडी करना है, बुक से रीड करना है और याद करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। आई होप कुछ ना कुछ क्लैरिटी हुई होगी। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जरा एक्सप्लोर करेंगे डेटाबेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ इससे रिलेटेड हम जरा देखेंगे फर्दर। थैंक यू फॉर टुडे। सामने